नमस्कार, मैं अश्विनी कुमार। फेस्टिव सीजन के इस दौर में सोने के भाव गिरे हैं। चांदी ने नरमी दिखाई है, हीरे नगीनों को लेकर लोगों में दिलचस्पी दिखने लगी है। ऐसे हालात में मार्केट भी सज धज कर तैयार हो चुका है। आपका इंतजार है ऐसे हालात में कोई रिवाज के लिए, किसी को शगुन के लिए, किसी को निवेश की सोच कर, तो कुछ लोग मुहूर्त को देखकर सोने चांदी की खरीदारी करते हैं। क्या बाजार में ये खरीदारी आज उतनी ही आसान है जितना 10 साल पहले हुआ करती थी, या अब शॉपिंग के तौर तरीकों में बदलाव आया है? क्या गहनों की खरीद भी उसी तरीके से की जानी चाहिए जिस तरह से हम कपड़े और जूतों को खरीदा करते हैं, या फिर कुछ अलग होना चाहिए? अगर सोने चांदी की शुद्धता को लेकर हमें शक है, तो फिर शक को कैसे दूर किया जा सकता है? आखिर आपके हर सवाल का जवाब क्या मिलना संभव है? आज खास मेहमानों के साथ चर्चा करेंगे बिग फाइट में, साथ में आपकी राय भी होगी। इस चर्चा में खास मेहमान स्टूडियो में हमारे साथ है विश्वास श्रृंगी जी, वोयला रिटेल्स प्राइवेट लिमिटेड से हमारे साथ है शुभांग मित्तल जी, हमारे साथ श्रीजी ज्वेलर्स से है टाटियावाल ज्वेलर्स से राजीव जी टाटियावाल हमारे साथ है इस चर्चा में। दीपावली पर गणेश लक्ष्मी की पूजा के दौरान भगवान पर सोने के सिक्के चढ़ाना और आभूषण खरीदना शुभ माना जाता है। इसे लेकर बाजारों में भी ज्वेलर्स की धूम है। धनतेरस पर बाजार की गहमा गहमी और ऑफरों के बीच कई बार कस्टमर धोखा खा जाते हैं। अगर आप भी इस त्योहार पर सोने चांदी की ज्वेलरी और सिक्के खरीदने जा रहे हैं, तो फिर धोखे से बचने की जरूरत है। गोल्ड ज्वेलरी या सिक्के खरीदते वक्त सबसे पहले उसकी शुद्धता का पता लगाएं। 24 कैरेट गोल्ड सबसे शुद्ध होता है, पर इससे ज्वेलरी नहीं बनती। गोल्ड ज्वेलरी 22 या 18 कैरेट के सोने से बनती है, यानी 22 कैरेट गोल्ड के साथ 2 कैरेट कोई और मेटल मिक्स किया जाता है। ज्वेलरी खरीदने से पहले हमेशा ज्वेलर से सोने की शुद्धता जान लें। व्हाइट गोल्ड ज्वेलरी अगर आप ले रहे हैं, तो निकल या प्लैटिनम मिक्स के बजाय पैलेडियम मिक्स ज्वेलरी लेना बेहतर होगा। निकल या प्लैटिनम मिक्स्ड व्हाइट गोल्ड से स्किन एलर्जी होने का खतरा रहता है। गोल्ड खरीदते वक्त आप ऑथेंटिसिटी या प्योरिटी सर्टिफिकेट लेना ना भूलें। सर्टिफिकेट में गोल्ड की कैरेट क्वालिटी भी जरूर चेक कर लें। साथ ही गोल्ड ज्वेलरी में लगे जेम स्टोन के लिए भी एक अलग सर्टिफिकेट जरूर लें। जहां तक सिक्कों की बात है, तो विश्वसनीय दुकानों से सिक्के खरीदें। अगर आपको मालूम नहीं है कि कॉमन बुलियन सिक्के कैसे दिखते हैं, तो इस बात की पूरी आशंका रहेगी कि आप बहुत ज्यादा खर्च करके भी नकली सिक्का खरीद लेंगे। सिक्के हमेशा विश्वसनीय दुकानों से और ज्वेलरी हमेशा हॉलमार्क निशान वाली ही खरीदें। छोटे ज्वेलर्स के पास हॉलमार्क ज्वेलरी नहीं होती, ऐसे में वहाँ धोखा होने का डर ज्यादा होगा। और अहम बात, खरीद से पहले सोने चांदी के ताजा भाव की जानकारी लेकर जाएं। बिग फाइट में आप देख चुके हैं कि जो तस्वीर है, इसी को लेकर आगे हम बात करने जा रहे हैं। खास एक्सपर्ट्स हमारे साथ हैं, आप अपने पेशे के माहिर लोग हैं। शुरुआत करूंगा मैं, सबसे पहले श्रृंगी जी मैं आपके पास आता हूं, मैं आपसे जानना चाहता हूं कि अगर इस पेशे की बात की जाए, तो किस तरह से ख्याल रखा जाए एक कस्टमर बाजार जाने से पहले, जैसा कि हम तस्वीर बयान कर चुके हैं, गौर क्या करें शॉप पर पहुंचने के बाद, पहली किस चीज़ का ख्याल रखें? सबसे पहले जिस बात का ध्यान रखना चाहिए, अगर आप सोना खरीद रहे हैं, तो उसकी प्योरिटी के लिए डेफिनेटली आप पूछिए कि सर्टिफिकेट साथ में है कि नहीं है, ज्वेलरी हॉलमार्क है कि नहीं है। और हॉलमार्क अगर आपको मिल रहा है, तो आप संतुष्ट हो सकते हैं। जो व्यापारी या जो जौहरी है, जिनके पास ये सुविधा उपलब्ध है, वो आपको बेहिचक हॉलमार्क ज्वेलरी उपलब्ध करा सकते हैं जी। और आई थिंक जो बड़े जौहरी हैं, वो सभी आज की तारीख में हॉलमार्क ज्वेलरी देते हैं
मैं जो है एक ऑनलाइन कॉमर्स से रिलेटेड हूँ और voila.com हमारा पोर्टल है। इसमें हम लोग जो भी ज्वेलरी भेज रहे हैं वो हॉलमार्क है, पर कस्टमर का ट्रस्ट एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। इसके लिए हम 30 डेज़ की रिप्लेसमेंट गारंटी भी देते हैं ताकि कस्टमर संतुष्ट रहे कि हम हमेशा उनके साथ हैं और कोई भी प्रॉब्लम हो तो वो ज्वेलरी हमें वापस कर सकते हैं। जी शुभांग मित्तल जी, जी सर, ये तो बात हो गई कि जो पैमाने हैं उनकी लेकर, लेकिन उससे आगे फिर भी किन बातों का ख्याल रखना चाहिए, कहाँ चूक हो सकती है, आपको क्या लगता है अगर एक शॉपकीपर के पास कोई बंदा जाता है तो उसके साथ कहाँ चूक हो सकती है? कोई भी कस्टमर जब किसी भी शोरूम पे ज्वेलरी लेने जाता है वो शुद्धता की जांच या शुद्धता की बात बाद में करता है, हॉलमार्क की बात बाद में करता है, पहले वो रेट की बात करता है, पहले वो मेकिंग चार्जेस की बात करता है, फिर उस मेकिंग चार्जेस में बार्गनिंग करने की कोशिश करता है। कई कस्टमर्स ऐसे हैं जिन्होंने आज तक ये नहीं पूछा कि ये हॉलमार्क भी है कि नहीं है आपका, और है तो आप इसका क्या चार्ज ले रहे हैं, कितनी प्योरिटी का हॉलमार्क है इस पर लगा हुआ, आप 22 कैरेट की ज्वेलरी दे रहे हैं तो क्या 22 कैरेट के पैसे ले रहे हैं? इस समय बाजार में ये हालत है कि 18 कैरेट की ज्वेलरी देते हैं 22 कैरेट का पैसा ले लेते हैं, मेकिंग चार्जेज अलग से ले लेते हैं तो भी ग्राहक खुश है। कई दुकानदार ऐसे हैं 18 कैरेट का माल बेचते हैं 22 कैरेट के पैसे ले लेते हैं, मेकिंग चार्जेज नहीं लेते तो भी उनको बहुत ज़्यादा कॉस्टली पड़ती है ज्वेलरी, तब भी कस्टमर ये नहीं देखता, वो एक ही बात आके हमसे कहता है मैं तो साहब बिना मेकिंग चार्जेस के लेके आया हूँ, 22 कैरेट की गारंटी दी है, उसमें ना कोई हॉलमार्क होता है, न कोई दुकानदार का नाम होता है, न कोई प्योरिटी का निशान होता है। जी तो मैं कस्टमर्स को यही कहूँगा कि पहले वो ज्वेलरी को देखें, पहले डिजाइन देखें, फिर प्योरिटी का सिंबल देखें, हॉलमार्क देखें, फिर बाद में वो रेट पूछें। जी और जितने प्योरिटी की वो ज्वेलरी खरीद रहे हैं क्या उतना ही कैरेट का वो दाम दे रहे हैं? आज बाजार में 14 कैरेट की ज्वेलरी भी उपलब्ध है, 18 की भी है, 22 की भी है। जी जी तो क्या वो 18 कैरेट की ज्वेलरी खरीदने के समय 18 कैरेट का ही मूल्य दे रहे हैं? शुभांग जी कैसे फर्क किया जाए 18 और इस 22 कैरेट में, आम कस्टमर को कैसे पता चल सकता है? हॉलमार्क का देखना पड़ेगा, हॉलमार्क के 18 कैरेट की ज्वेलरी में 750 लिखा हुआ आएगा, 22 कैरेट की ज्वेलरी में 916 लिखा हुआ आएगा, 14 कैरेट की ज्वेलरी में 585 लिखा हुआ आएगा। क्या ये संभव है कि सब लोग बड़े शोरूम्स पर पहुंचे जहां हॉलमार्क वाली ज्वेलरी मिले? क्योंकि एक सवाल होता है गलियों में दुकानें चलती हैं, लोग अपने पुरखों से जुड़े हुए एक सुनार होते हैं उसके पास चले जाते हैं, उसके पास जाकर ज्वेलरी बनाते हैं, गाँव का एक अपना सुनार होता है उसमें भरोसा होता है, ऐसे में कैसे बचे आदमी? तो सुनार से भी ये कहें कि आप लिख करके इस पर प्रिंट करके दे दें हमें, आप मार्का लगा के दे दें कि आप कितनी प्योरिटी की ज्वेलरी हमें दे रहे हैं। अगर वो 14 कैरेट की दे रहा है तो उससे क्या आप 14 कैरेट की सील लगा दें इसमें। जी हमको हॉलमार्क नहीं चाहिए, चलिए हम आपका विश्वास रखते हैं आप 14 कैरेट की सील लगा दें। जी हमको 18 कैरेट की सील लगा दें, 18 कैरेट की ज्वेलरी दे रहे हैं तो, पर उसको भाव 18 कैरेट का ही दें, उसको भाव 14 कैरेट का ही दें। इस चीज़ के लिए आपको सावधान होना पड़ेगा, जागरूक आपको होना पड़ेगा, पहल आपको करनी पड़ेगी और जाँच करानी पड़ेगी। राजीव जी आप क्या कहना चाहेंगे, कहाँ चूक हो जाती है जब कोई खरीदारी करने जाता है खासतौर पर गहनों की? मेरा ये कहना है कि केवल दुकानदार के मार्ग पर भी ना जाएं, मेरा सबसे पहला कहना ये है, सबसे पहले हॉलमार्क देखें, जैसे शुभांग जी ने बोला हॉलमार्क में लिखा होता है कि कितना कैरेटेज है, उसमें उसके निशान होता है, तो सबसे पहले तो उनको वो निशान देखना ज़रूरी है, बिना हॉलमार्क वाली ज्वेलरी नहीं लेनी चाहिए, ऐसा मेरा सब जो दर्शक देख रहे हैं उनसे निवेदन है कि सबसे पहले हॉलमार्क देखें, नंबर वन। नंबर टू, साथ में एक बिल ज़रूर से लें, क्योंकि मैंने देखा है ज़्यादातर लोग आते हैं बोले बिल नहीं चाहिए, टैक्स बचाना चाहते हैं, लेकिन उन्हें यह है मालूम होना चाहिए कि वो टैक्स बचाने के पीछे कई गुना ज़्यादा नुकसान वहाँ से उठा रहे हैं। जी तो उस दुकानदार से हॉलमार्क के साथ साथ उसका बिल लें पूरी डिटेल के साथ कि क्या रेट लगाया है, क्या मेकिंग चार्जेस लिया है, क्योंकि उसी से उनके पास में एक सबूत रहेगा, कल को कोई लीगल चीज़ आती है तो वो बिल उनको प्रेजेंट रहेगा। तो जिन डिटेल्स का जिक्र किया उसमें कैरेट का भी जिक्र होना ज़रूरी है, बिल्कुल होना ज़रूरी है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जितना कैरेट है, जैसे शुभांग जी ने अभी अच्छे से बताया कि जितना कैरेटेज है उतना कैरेटेज उस बिल पे लिखा होना चाहिए, उसका रेट लिखा होना चाहिए। आप किसी भी अच्छी दुकान पर जाएंगे वो बहुत बड़े बड़े शब्दों में डिस्प्ले करते हैं आज की गोल्ड की रेट,
उन रेट्स को देख करके अपने हिसाब से। लेकिन ज्यादातर दुकानों पर कच्ची पर्ची वाला जो हिसाब होता है कि रेट्स लिख दी, आज की रेट लिख दी, मेकिंग चार्जेस लिख दिया, क्या ये ठीक है? मैं यही दर्शकों को बताना चाहता हूँ कि जाए टैक्स बचाने के ना सोचें। टैक्स देना जरूरी है, वो हमारे सबके काम में ही आता है टैक्स आखिर में। वो टैक्स दें और उसके साथ में बिल लें। बिल लेने से उनके पास में एक प्रूफ रहेगा और विश्वास रहेगा, और जो अच्छा ज्वेलर होगा वो एक मिनट भी हिचकेगा नहीं बिल देने में, क्योंकि उसकी चीज़ सही है, वो आपसे सही मेकिंग चार्जेस ले रहा है, वो अपनी कमाई ले रहा है और आपको सही चीज़ दे रहा है। जी चलिए, ये अहम बातें हमारे सामने आ चली है कि किस तरह से खरीदारी करनी चाहिए। बाजार अगर जा रहे हैं तो पहले परख का क्या ख्याल हो, उसके बाद खरीद के बाद किस तरह से सावधानी बरतें, ताकि अगर धोखा आपसे हुआ है तो उस धोखे से आगे किस तरह से बचा जा सके। एक कॉलर हमारे साथ जयपुर से कृष्णा कोरानी जी जुड़े हैं, कॉलर हैं हमारे साथ। बताएं कृष्णा जी, क्या कहना है आपका? सर नमस्कार। नमस्कार सर, रात वाली न्यूज पे आपको उसके लिए धन्यवाद, शुक्रिया। सर एक्चुअली अभी जैसे आपने बताया हॉलमार्क, तो सर आजकल हॉलमार्क तो हर आम दुकान पे मिल जाएगा जी। और शुद्धता की जैसे बात हो रही है अपने यहाँ पे, वो भी अच्छी बात है कि शुद्धता वहाँ को पहचानने के लिए, ये भी अच्छा है वो दे रहे। मगर सर बिल वाली जब बात आती है, जब बिल के लिए अपन कम्प्रोमाइज करते हैं तो बिल के मामले में जैसे मान लो अगर अपन ने किसी से मांग ली, जैसे मैं मेरे ऊपर ही ले लेता हूँ, अभी मैंने मेरी मिसेज को एक पार्सल दिलवा के दी, उस बंदे ने मेरे से पैसे लिए 100% लिए जी। वापसी के लिए उसने मुझे ये व्यक्ति ने कहा कि कृष्णा जी जब भी आप ये चीज वापस दोगे तो 80% हम आपको वापस देंगे, 20% काट के जी। तो सर इसी चीज को लेके मैं यही कहना चाहता हूँ, आज हमारे यहाँ पर ये हो रहा है इस चीज को देख के कि साहब अपन शुद्धता या किसी भी चीज को लेके, तो उस चीज का वो है ही नहीं, क्योंकि वो अपनी तरफ से वो हॉलमार्क लगा के देगा जी। बिल्कुल, मैं इस सवाल पर जवाब लूंगा, एक्सपर्ट पैनल हमारे साथ है। ब्रेक का कॉल है, ब्रेक के लिए रुकेंगे। ब्रेक के बाद जब लौटेंगे, कृष्णा कोरानी जी का जो सवाल था कि आखिर पूरा दाम चुकाने के बाद भी अगर ज्वेलरी वापस दी जाती है तो फिर 20% पैसे किस बात के काटे जाते हैं, जानेंगे ब्रेक के बाद। मेरी नज़र में सोने पर इन्वेस्ट करना आज की तारीख में सही नहीं है, क्योंकि आज की डेट में जितना मिलावट अपन को सुनने में आ रहा है कि सोने पर हो रहा है, तो उस नज़र से देखा जाए तो सोने पे इन्वेस्ट करना सही नहीं है। मतलब हमें अच्छे ब्रांड का सोना ही खरीदना चाहिए, ब्रांड वाले सोने पे हॉलमार्क लिखा होता है, कितने कैरेट का है, सब कुछ जानकारी दी गई होती है। बिना ब्रांड का सोना खरीदने पे क्या होता है, उसमें मिलावट होती है, आम जनता गुमराह होती है, जिससे आगे जाके कल को वो कहीं किसी को दे या कुछ भी करे तो वो कीमत उनको नहीं मिल पाती जिस कीमत पे उन्होंने खरीद। सोना चांदी की खरीद के दौरान सबसे बड़ी चर्चा उसकी शुद्धता को लेकर होती है। अगर शुद्धता को लेकर कोई शक है तो BIS वह संस्था है जो उपभोक्ताओं को उपलब्ध करवाए जा रहे गुणवत्ता स्तर की जांच करती है। यदि सोना चांदी हॉलमार्क है तो इसका मतलब है कि उसकी शुद्धता प्रमाणित है, लेकिन कई ज्वेलर्स बिना जाँच प्रक्रिया पूरे किए ही हॉलमार्क लगा रहे हैं। ऐसे में ये देखना जरूरी है कि हॉलमार्क ओरिजिनल है या नहीं। असली हॉलमार्क पर भारतीय मानक ब्यूरो का तिकोना निशान होता है, उस पर हॉलमार्किंग सेंटर के लोगों के साथ सोने की शुद्धता भी लिखी होती है, उसी में ज्वेलरी निर्माण का वर्ष और उत्पादक का लोगो भी होता है। सिक्का या ज्वेलरी खरीदते वक्त कच्ची पर्चियां लेने का ट्रेंड है, लेकिन यह गलत है। कई बार वापसी के वक्त ज्वेलर खुद ही अपनी पर्ची नहीं पहचानते, इसीलिए पक्का बिल जरूर लें। बिल में सोने का कैरेट, शुद्धता, मेकिंग चार्ज और हॉलमार्क का जिक्र जरूर हो। जहाँ तक इस त्योहार पर सोने के सिक्कों की बात है तो हो सकता है मार्केट में आपको थोड़ी मुश्किल हो। RBI के निर्देशों के बाद राजधानी के कई बड़े बैंकों ने सोने के सिक्कों की बिक्री से हाथ खींच लिया है, तो कुछ बैंक खरीद फरोख्त जारी रख रहे हैं।
आज आपके हर सवाल का जवाब मिलेगा, सोना कितना सोना है। इससे जुड़ा हमारा सवाल आज आपसे था कि क्या हॉलमार्क गहनों की शुद्धता का सही पैमाना आप मानते हैं हॉलमार्क को। आप अपनी राय हमारी वेबसाइट के साथ साथ फेसबुक और ट्विटर के जरिए भी दे सकते हैं। अब इस चर्चा में हमारे साथ एक कॉलर हनुमानगढ़ से सुनील शर्मा जी जुड़े हैं। सुनील शर्मा जी बताएं क्या सवाल है आपका। सर नमस्कार। नमस्कार। आपकी इस मुहिम का मैसेज धन्यवाद। संपर्क कॉलर से हमारा कट गया, हम कोशिश करेंगे दोबारा उनसे बात हो। उससे पहले मैं आपसे शुभांग जी मैं आपसे जानना चाहूंगा, कृष्णा कोरानी जी का जो सवाल था, एक ज्वेलरी खरीदने के बाद अगर वापस की जाती है 20% किस बात का काट लिया जाता है। सबसे पहले तो मैं कृष्णा कोरानी जी को ये कहूँगा, जैसा उन्होंने कहा कि हॉलमार्क कोई भी लगा सकता है, ऐसा नहीं होता है। हॉलमार्क गवर्नमेंट के सेंटर से ही लगाया जाता है और वो ही टेस्ट करके लगाते हैं जी। कृष्णा कोरानी जी का जो सवाल है उसका सबसे बड़ा जवाब यही है कि एक तो उन्होंने हॉलमार्क ज्वेलरी नहीं खरीदी। अगर वो हॉलमार्क ज्वेलरी खरीदते तो उस पर प्योरिटी का निशान देखते कि मैंने कितनी प्योरिटी की चीज़ ली है, उतनी प्योरिटी का पैसा देते और ऊपर से मेकिंग चार्जेस दे देते, जो कि ज़्यादा से ज़्यादा इनका 10% लगता। जब ये वापस देने जाते, जरूरी नहीं है कि उसी दुकानदार को देते ही, कि किसी भी दुकानदार को वो पैसा वो जेवर वापस दे सकते थे, वो उतनी प्योरिटी का पैसा इनको वापस दे देता, इनका 8-10% ही पैसा कटता। ये क्या मेकिंग चार्जेस को काटा जाता है? किस मेकिंग चार्जेस को काटा जाता है? मेकिंग चार्जेस के अलावा कुछ नहीं काटा जाता है। इसके अलावा सोने की शुद्धता का पूरा पैसा दे दिया जाता है जी। लेकिन पैमाना मैं आपके पास आऊँगा राजीव जी, कहा जाता है कि हॉलमार्क को लेकर भी लोग आजकल डुप्लीकेट मार्का लगाने लग गए, सही गलत की पहचान कैसे हो? डुप्लीकेट मार्का नहीं होता, क्योंकि जो लोगों के पास में जो हॉलमार्क लगाते हैं उनके पास में सरकार द्वारा लाइसेंस दिया जाता है। पहले उनके यहाँ जाँच पड़ताल होती है, उनकी चीज़ों की प्योरिटी जाँची जाती है और सारी चीज़ देखने के बाद टेस्ट करने के बाद सरकार की तरफ से हॉलमार्किंग का एक लाइसेंस दिया जाता है। तो जो भी अच्छा दुकानदार होगा उसी को हॉलमार्क का लाइसेंस मिलेगा और उसको अपनी शुद्धता बनाए रखनी पड़ेगी। मतलब जिसके पास हॉलमार्क का लाइसेंस होगा उसको अपनी शॉप पर उस लाइसेंस को लगा कर रखना होगा। तो आप पता कर सकते हैं कि ये जो भी शॉपकीपर है उसके पास लाइसेंस है, हॉलमार्क ज्वेलरी यहाँ मिलती है। वेरी राइट जी। दूसरा, जब वो देखें तो उसमें डेफिनेटली हॉलमार्क का जो साइन है, ट्राइंगल टाइप का साइन है, जैसा कि अभी आपको टीवी स्क्रीन पर दिखाया गया, तो वो साइन ज़रूर देखें। उसके साथ में लिखा होता है सेंटर जहाँ से उसका हॉलमार्क का टेस्टिंग करा के साइन किया गया है, प्लस जो दुकानदार है उसका अपना मार्का भी उस पर लगा हुआ होता है हॉलमार्किंग के उसमें जी। तो ये सारी चीज़ें जांचने पर रखने के बाद वो लें। इसके अलावा जैसे उन्होंने कहा कि वो बाद में कहने लगा कि हम तो कम पैसे देंगे, उसके लिए आपके पास एक और उपाय है कि जब आप चीज खरीदें ये हॉलमार्किंग और ये सारा चीज तो जो 20% काटने वाली बात कही थी वो गलत थी उस शॉपकीपर की? बिल्कुल गलत थी। इसका मतलब जैसे बताया गया कि वो हॉलमार्क नहीं था ज्वेलरी, इसलिए उन्होंने काटी जी। चलिए हमारे साथ बीकानेर से कॉलेज जुड़े हैं जाकिर साहब हमारे साथ हैं। बताएं जाकिर साहब क्या कहना है आपका। सर ये बोल रहे हैं कि भाई आपने सोना की शुद्धता के बारे में जो बताया है इसके बारे में बताना चाहता हूँ। ये बोलते हैं हॉलमार्क मतलब गवर्नमेंट की तरफ से मान्यता होता है, ये दुकानदार अपनी मान्यता लगा नहीं सकते। जब 100 से लेके 1,500 के नोट नकली निकल सकते हैं तो दुकानदार क्यों नहीं हॉलमार्क लगा सकते? जाकिर साहब उसी को चर्चा की थी, आप उस दुकान पर जब जा रहे हैं तो उस दुकान पर अगर सर्टिफाइड आपको ज्वेलरी लेनी है तो पहले से लाइसेंस आपको उस दुकान पर चस्पा नजर आएगा। उस चस्पा लाइसेंस को आप देखिए तो आपको ये पता लग जाएगा कि ये ज्वेलर क्या हॉलमार्क वाली ज्वेलरी बेचता है या नहीं। के नाम पे अपन बिल सोना लेते हैं तो बिल कटवाते हैं तो उससे बोले बिल कटा तो आप कितना परसेंट टैक्स अलग लगेगा, जबकि सोने की कीमत ऑलरेडी अखबार में अगर कीमत देते हैं अपन लोग। बिल्कुल इस बात का आपको ख्याल रखना पड़ेगा, जागरूकता आपको अपने स्तर पर रखनी होगी और कच्ची पर्ची से बिल्कुल हिसाब ना करें, पुख्ता बिल लें ताकि भविष्य में अगर कोई शिकायत है तो उसका रास्ता भी निकाल पाए। विश्वास जी अब मैं आपके पास आऊंगा, मैं आपसे जानना चाहता हूँ, आप ऑनलाइन ट्रेडिंग की बात करते हैं लेकिन लोग कहते हैं ज्वेलरी में खासतौर पर लोग नेट के थ्रू खरीदारी नहीं करते, धोखे की गुंजाइश ज़्यादा होती है, आपको क्या लगता है स्कोप कैसे नज़र आता है? मेरे ख्याल से लोगों का ये विचार जो है कि ऑनलाइन शॉपिंग जो है वो स्पेशली ज्वेलरी के केस में थोड़ा मुश्किल है। आई थिंक अब लोग ये समझने लगे हैं कि अगर ज्वेलरी हॉलमार्क है और साथ में सर्टिफिकेट मिल रहा है तो ऑनलाइन ज्वेलरी भी खरीदी जा सकती है। हमने ये देखा है कि लोग आज की तारीख में
25-30 हज़ार की ज्वेलरी तो ऑनलाइन आसानी से खरीद लेते हैं। हाँ, जब बात आती है कि उनको बड़ा अमाउंट खर्च करना है ऑनलाइन, जैसे 1-1.5 लाख की ज्वेलरी अगर उनको ख़रीदनी है, तो उसमें आपकी विश्वसनीयता पे डेफिनेटली वो चाहेंगे कि सवाल उठता है कि आप कितने एस्टेब्लिश्ड हैं, आप कितने टाइम से बिज़नेस कर रहे हैं। जैसे हम voila.com के थ्रू जो ज्वेलरी बेच रहे हैं, सबसे बड़ी क्रेडिबिलिटी कस्टमर ये जानना चाहता है आप हैं कौन। अगर मैं इतना बड़ा अमाउंट पहले पे करता हूँ तो मेरे पास प्रोडक्ट आएगा या नहीं आएगा, उसके लिए वो चाहते हैं कि आपकी एस्टेब्लिशमेंट जो है वो कैसे पता करी जाए जी। तो इसका एक उदाहरण ये है कि जब हमने शुरुआत करी थी और हम काफ़ी छोटे पैमाने पर इस बिज़नेस को शुरू किया था, तो डेफ़िनेटली ये थोड़ा मुश्किल था। तो ज़्यादातर हमारे जो कस्टमर्स थे वो कैश ऑन डिलीवरी पेमेंट करते थे। पहले वो लोग डिलीवरी लेते थे, उसके बाद वो पेमेंट करते थे। और कई कस्टमर बीच में रखूंगा, एक कॉलर हमारे साथ है, उसके बाद में इसमें कुछ सवाल है मेरे, मैं चर्चा करूंगा। सुनील शर्मा जी फिर से जुड़े हैं हनुमानगढ़ से, बताएं सुनील जी। सर जी नमस्कार। नमस्कार, मैं फिर आपका धन्यवाद करता हूँ नई मुहिम का। जी शुक्रिया सर। मैं ये कहना चाहता हूँ, अभी कुछ दिनों पहले हनुमानगढ़ के अंदर एक छापा पड़ा था जी, जिसके अंदर बहुत नकली माल पकड़ा गया था जी, लेकिन वो जब्त होने के बजाय रिश्वत के तौर पर वापस वहीं भेज दिया गया। उसके लिए सरकार ने क्या कदम उठाए हैं? और ये जो हॉलमार्क है, जो अभी अब यहाँ टीवी में बता भी रहे थे भी हॉलमार्क नकली नहीं हो सकता, लेकिन नकली निकल रहे हैं हॉलमार्क, उसके लिए क्या कदम उठाए गए हैं? अगर मैं विश्वास जी आपको बीच में रोकूंगा, उससे पहले मैं राजीव जी आपसे इस बात का जवाब लेना चाहूंगा कि अगर हॉलमार्क नकली साबित हो जाता है फिर आगे क्या कार्रवाई कर सकता है कोई ग्राहक? ग्राहक उसके लिए BIS जो हॉलमार्क सेंटर है, BIS का जो है, वो ऑनलाइन पे भी वहाँ शिकायत कर सकता है, जिसका बहुत तेज़ी से और तुरंत वो लोग एक्शन लेते हैं। उसमें सजा भी होती है व्यापारी को, उनका हॉलमार्किंग लाइसेंस भी रद्द हो जाता है। इसके अलावा वो जाकर के अपने लोकल पुलिस स्टेशन पे भी शिकायत कर सकते हैं इस चीज़ को लेकर। तो इसके लिए सरकार ने बहुत कड़े पैमाने बनाए हुए हैं, तो मेरे ख्याल से जो उपभोक्ता है उसको उसका उपयोग करना चाहिए। शुभांग जी, बावजूद इसके लगातार शिकायतों के, अगर कोई कारोबारी नहीं मानते तो आपको लगता है कि सामाजिक बहिष्कार उस दुकान का कर दिया जाना चाहिए, ये बेहतर रास्ता होता है? क्योंकि जिस तरह से जिक्र किया कि माल जब्त किए जाने के बावजूद वो कारोबार कर रहा है, वो माल फिर से उसको मिल गया, उसका अपने आप ही बहिष्कार हो जाता है। एक आम कस्टमर, एक आम जनता जान जाती है कि इस दुकानदार की क्या पोजीशन है, तो अपने आप ही उसका बहिष्कार हो जाता है धीरे धीरे। जी जितने भी जानकार लोग हैं, जिनकी भी निगाह में वो चीज़ आ गई, वो अपना आप ही उस दुकानदार का बहिष्कार कर देते हैं। ये एक बेहतर रास्ता है। विश्वास जी मैं फिर से आपके पास लौटता हूँ। धोखे की गुंजाइश आपने खुद ने माना कि ज़्यादा होती है ऑनलाइन में। अगर कोई ज्वेलरी खरीदता है फिर क्या ध्यान रखे, पैमाना क्या हो उसका? तो क्या कैश ऑन डिलीवरी हो और उस वक्त भी जब आप सामान ले रहे हो तो उसकी जाँच किसी दुकान से करवा ले? तो पहला पैमाना तो सर्टिफाइड ज्वेलरी है, साथ में आप सर्टिफिकेट भेज रहे हैं, ये पहला वो है। और जैसे कि मेरे साथियों ने यहाँ बताया कि आप एक्चुअली सर्टिफिकेट के थ्रू ऑनलाइन जाकर के भी चेक कर सकते हैं कि वो वैलिड है कि नहीं है। ज़्यादातर सर्टिफिकेट पे जो है वो लिखा रहता है, कोड्स होते हैं, आप जाकर के उसकी प्योरिटी भी ऑनलाइन चेक कर सकते हैं। अगर डायमंड की भी बात करी जाए तो डायमंड के लिए भी जो प्योरिटी है उसके लिए ये लोग सीरियल नंबर जो होता है उसको आप जो है वेबसाइट पे जाकर के चेक कर सकते हैं और वही प्योरिटी आपको वेबसाइट पे मिलेगी। तो डेफिनेटली कस्टमर्स को ये ज्ञान होना चाहिए और इस ज्ञान के लिए हम लोग जो है अपनी वेबसाइट के जरिए भी लोगों को बताते हैं कि क्या किस किस चीज़ों की जानकारी। ऑनलाइन समाधान हो सकता है ये जानेंगे। उससे पहले झालावाड़ से अशोक शर्मा जी जुड़े हैं, बताएं अशोक जी आप क्या कह रहे हैं? सर नमस्कार। नमस्कार सर, मेरा ये कहना था कि जैसे क्या होता है कि ज्यादातर जो ऑनलाइन करते हैं, ब्रोकिंग करते हैं, वो तो सारे शहरी क्षेत्र के होते हैं जी, लेकिन सर जो ग्रामीण क्षेत्र के लोग होते हैं, जो मैं भी देखता हूँ कि जो लोकल जगह से सोना चांदी खरीदते हैं जी, ना तो वो बिल लेते हैं, ना वो हॉलमार्क जब मैं जानते हैं, ना इतना पढ़े लिखे होते हैं, वो केवल विश्वास के ऊपर टिके होते हैं। और अगर कभी बाई चांस वो बिल मांगते भी हैं तो दुकानदार उसको ये कहता है कि बिल लेगा तो तुझे इतना परसेंट टैक्स देना पड़ेगा, इतना पैसा एक्स्ट्रा देना पड़ेगा, इसलिए वो बिल नहीं लेता। अशोक जी ये चर्चा कर चुके हैं और जो एक्सपर्ट्स की राय है उसके मुताबिक ये है कि वो दुकानदार आपको धोखा दे रहा है, गुमराह कर रहा है और वो विश्वास के नाम पर आपको ठग रहा है। बेहतर है कि आप जागरूक रहें और बिल पक्का ही लें, हॉलमार्क का ख्याल रखें। बिग फाइट से जुड़ने के लिए शुक्रिया आपका। जैसा कि जिक्र किया राजीव जी, विश्वास जी ने, आपको लगता है कि ऑनलाइन का समाधान ऑनलाइन हो सकता है कि जो सर्टिफाइड ज्वेलरी की बात है,
वो सर्टिफाइड ज्वेलरी आप वहाँ जाकर प्रूव कर सकते हैं कि ठीक है ये जो सामान खरीदा है वो ठीक है? हाँ बिल्कुल, या धोखे की कहीं चूक की कोई गुंजाइश रहती है आज भी ऑनलाइन में? नहीं, ऑनलाइन में अगर आपको जो सर्टिफाइंग एजेंसीज हैं उनके द्वारा सर्टिफाई किया हुआ अगर आपको सर्टिफिकेट मिल रहा है जी, तो डेफिनेटली आप ऑन साइट जाके, क्योंकि जो ऑनलाइन जो सर्टिफाइंग एजेंसीज हैं वो वेल एस्टेब्लिश एजेंसीज होनी चाहिए, जैसे IGI हुआ या गोल्ड ज्वेलरी के लिए हॉलमार्किंग हुआ या GIA हुआ डायमंड वगैरह के लिए जी, तो उनका जो सीरियल नंबर जो सर्टिफिकेशन होता है वो आप ऑनलाइन जा कर के उनकी वेबसाइट पे देख सकते हैं, जिसमें वो टोटल डिटेल होती है कि क्या क्या चीज़ उन्होंने देख करके वो वाला सर्टिफिकेशन दिया है। शुभांग जी, कुछ जोड़ना चाहेंगे इसमें आप ऑनलाइन की जो बात हुई? ऑनलाइन में डिजाइन वगैरह पसंद करने में, रूबरू देखने में और में थोड़ी सी कोई अगर प्रॉब्लम आती है, आपको लगता है कि लोग आज भी प्रेफर नहीं करते ऑनलाइन? आज भी अभी तक इसीलिए चलन नहीं आया, हमारे यहाँ आते हैं 100-100 शर्ट एक साथ लाइवली देख सकते हैं, उसको पहन सकते हैं ऑनलाइन में, आपको जाकर के ठीक है आपने भी 100 शर्ट बता भी दिए पर उसको लाइवली कैसे देखेंगे क्या देखेंगे, उन्होंने एक शर्ट मंगाया घर पे, क्या पता वो कैसा लगा पहनने के बाद कैसा नहीं लगा, वो बात है, शुद्धता तो सही आएगी। चलिए सोने की बात हो चली है लेकिन बात होगी नगीनों की, हीरे की बात होगी, उसको किस तरह से खरीदा जाए, वहां किस तरह की सतर्कता रखी जाए, अगर आप नगीना खरीद रहे हैं कोई नग खरीद रहे हैं कैसे सावधान रहे, ब्रेक के बाद इस पर बात होगी, बने रहिए। सोना कितना सोना है हमारे खास पेशकश। गहनों को पहचान वाली दुकान से ही खरीदना चाहिए और पहचान वालों से ही खरीदते हैं, क्योंकि उसमें एक विश्वास रहता है दुकान वाले में और कस्टमर में, और सतर्क रहना भी चाहिए क्योंकि आजकल जिस हिसाब से करप्शन बढ़ता जा रहा है, आए दिन सोने चांदी में मिलावटों के जो शहर में धातु बिक रहे हैं उनसे अपन को सतर्क रहना भी चाहिए, क्योंकि इसके अंदर धोखाधड़ी बहुत होती हो रही है आजकल। रत्नों का कारोबार जो लोग समझते हैं उनके लिए तो सही है, जो नहीं समझते हैं उनके लिए तो धोखाधड़ी के बराबर ही है। अब वो पत्थर 2 रुपये का पत्थर अपने को 2000 में दे दे 5000 में दे दे, उसके अपने को पहचान है नहीं। अब हीरे की जो फर्क है वो जोरी जानता है, अपन तो जनरल कॉमन मैन है इसलिए अपने को क्या पता भाई कौन है क्या है कैसा पता है।